हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चटनी। ये चटनी स्पेशली दही वड़ों के साथ खाई जाती है और ये दही वड़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से बन के रेडी होती है, खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगती है। स्पेशली दही वड़ों के साथ ये चटनी बनाई जाती है, ये दही वड़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ग्रीन चटनी या हरी चटनी बनाना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक मुट्ठी हरा धनिया, एक मुट्ठी यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है, दो हरी मिर्ची ली है, नमक लिया है स्वादानुसार, और एक चम्मच यहाँ पे लिया है जीरा। बस इन सबको डाल के मिक्सी में पीस लेंगे और थोड़ा पानी भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पानी डालते हुए नहीं दिखाया, लेकिन इसमें पानी ऐड करेंगे हम। इसके बाद अगर आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप ये जो जितनी भी क्वांटिटी है इसको जस्ट डबल कर दीजिए, इसकी चटनी की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है मैंने और यहाँ पे इसको पीस लिया है। इसको अच्छे से बारीक पीसें। तो देखिए यहाँ पे एक से दो बार मैंने मिक्सी को घुमा लिया है। बस ये यहाँ पे पीस गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, खोल के चेक करेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा और इसकी कंसिस्टेंसी मेरे को पतली चाहिए थी, तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया। फिर इसको एक दो बार फिर से मिक्सी में डाल के घुमा लेंगे और इसको अच्छे से बारीक कर लेंगे। बस ये चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। बस इतनी ही देर लगती है इसको बनाने में और ये दही वड़ों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और अगर आप किसी और चाट पकौड़ी के साथ भी इसको खाना चाहें तो ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।